इतिहासें राजमिशन पर मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से सबसे पहले तो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जम्मू के अंदर पधारे और जम्मू के दूर एक गांव के अंदर उन्होंने एक वेन्यू चुना और वहां आकर उन्होंने ये 75वें साल आज़ादी के 75वें साल में खास क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं। इनके अलावा पंचायतों के और जितने भी ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन हैं उनको लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी और करोड़ों रुपया अनाउंस किया ये सारे इंस्टीट्यूशन के ज़रिया यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। उसका हम सभा की तरफ से सारे साथियों की तरफ से स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इन अनाउंसमेंट्स का और उनके यहाँ आगमन का। लेकिन बहुत सी बातें उनके बाद जो सामने आ रही हैं और जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की उनको लेकर जो असर दिखाई दे रहा है उसका हमें दुख है। सबसे पहले तो ये है कि करोड़ों रुपया वहाँ वेन्यू डिसाइड करने के लिए, वहाँ के इंतजाम के लिए और वहाँ पहुँचना कैसे उसके लिए खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट्स पर खर्च किया और करना चाहिए था। ये एक मैसेज जाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज यूनियन गवर्नमेंट खुद देख रही है इस रियासत को, आज जम्मू के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती और जम्मू के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ये एक मैसेज दिया उन्होंने, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसके असरात क्या हुए वो एक बड़ा गंभीर विषय है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़े ही दिनों के बाद उनके जाने के बाद सबसे पहली बात हमारे नोटिस में ये आई कि 100 करोड़ रुपया जो हमारा हेरिटेज या देशभक्तों की बात है, इस रियासत को बनाने की बात है, इस रियासत को चलाने की बात है, गजब की जिस ढंग से यहाँ पर सिचुएशन थी बनाए रखा इन डोगरों ने, उसके 100 करोड़ रुपया उस हेरिटेज को बचाने के लिए था वो लैप्स हो गया और काम नहीं हो सका, इसका हमें दुख। दूसरा, बरसात सर पर है, उन स्लोप्स का पीछे क्या हाल है हम चिल्ला रहे हैं उसके बारे में वहाँ कोई बात नहीं। तीसरा, यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जिनको लेकर हम डोगरा सदर सभा अभी से नहीं कई दशकों से चला रही है कि उन वीरों का, उन योद्धाओं का लोगों को पता लगे यहाँ करोड़ जो यात्रु आ रहा है वो भी देखें और हमारी संतानें देखें कैसे वो शूरवीर थे, कैसे लोग थे, क्या किया उन स्टेट के लिए, उनकी कहानी लाइट एंड साउंड के ज़रिया जिस तरीके से राजस्थान में कई जगह पर होता है वो वहाँ पर दर्शाई जाए। तो चलो एक उनमें से शुरू किया यहाँ बागे बाहू के अंदर। मुझे दुख है कि आज लोग हमें धिक्कारते जा रहे हैं, जो टूरिस्ट यहाँ आ रहा है जब वो पढ़ता है कि वहाँ इतना गजब का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर जाते हैं, टिकटें खरीदते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं सारा प्रोग्राम फेल हो चुका है, कोई प्रोग्राम नहीं और वो टिकटों के पैसे ही वापस नहीं उनको मिल रहे। ये शिकायतें हैं डोगरा सदर सभा के अंदर लोग जो बाहर से आकर सुनते हैं हमारे बारे में यहाँ आके कर रहे हैं, उसका जिक्र नहीं हुआ। और इसके साथ साथ ये यहाँ गंडोला, ये भी हमने बड़ी स्ट्रगल के बाद डोगरा सदर सभा ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया था, लेकिन कहाँ उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, कहाँ उसका बेस रखा, लैंडिंग कहाँ रखी, यहाँ से वो शुरू होना है वो कहाँ रखा, वो गलत था, वो पर्पस नहीं हल हुआ, मुबारक मंडी टोटली साइड लाइन कर दी गई। तो हमने कहा था कि वहाँ फ्लाईओवर भी बनाओ, लोग आ सकें, जा सकें, पहुँच सकें, लेकिन वो भी नहीं बना। का किस तरीके से अप्रोच करें, बाज़ारों की हालत क्या है, कैसे मुबारक मंडी पहुँचें इतने बड़े खजाने को देखने के लिए, वो भी नहीं हुआ, उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ, ना हमारे यहाँ की सरकार ने किया और ना प्रधानमंत्री जी के उस प्रोग्राम में वो उसके बारे में कुछ कहा गया। जम्मू फेस्टिवल एक बड़ा इवेंट था जो हमने स्टार्ट किया, जिसके साथ ये सारे बलिदान स्तंभ वगैरह ये सारी चीज़ें जोड़ी, ये सारे यहाँ जो स्टैचू लगे हैं जोड़े कि ये जिस दिन दर्शाया जाए घोड़ों पर वैसे और फिर भाईचारा दर्शाया जाए, कल्चरल प्रोग्राम हो और उनकी कहानियाँ सामने आए, नाटक हों, छोटे नाटक पार्कों के अंदर हों, और हुआ करते थे।
वो इस दफ़ा अभी जो हुआ है हमें दुख है, फॉर्मेलिटी बन के रह गया, पता नहीं कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ, किस पर किया, और वो भी फेल हो चुका है जम्मू फेस्टिवल। और फिर परमंडल उत्तरवैणी छोटा काशी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ गुप्त गंगा बहती है और छोटा काशी है वो, और वहाँ पर जरूर कोई अनाउंसमेंट होगी। वो हमें इस बात की खुशी है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम बनाए हैं, सुना है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट, ये उसी तहसील के अंदर प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा था। इसके बाद रणबीर कैनाल का हमें कहा था, आज देखिए 64,000 हेक्टेयर ज़मीन ये रणबीर कैनाल इरीगेट करती थी, आज सिल्ट की वजह से लोग चिल्ला रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या हो रहा है जम्मू के अंदर, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। और क्या गवर्नमेंट करने जा रही है, हमें कोई समझ नहीं लग रही कि क्या इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ, ये एक बात उसको टच नहीं। खुशी है, अभी अभी हमारे कर्नल साहब ये बता रहे थे, वो हमारे वीर चक्र विजेता हैं कर्नल शाही साहब, कि देखिए हिमाचल तक ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर नागाओं को सबको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो उनको बेनिफिट्स बेल्ट फोर्सेस के लिए भर्ती होने के लिए चाहिए होते हैं वो सर्टिफिकेट मिल रहा है, हिमाचल के डोगरों को मिल रहा है। यहाँ हमें डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था, ये कानून में था कि हमें कद के लिहाज से जो ये स्पेशल रिजर्वेशन थी हमारे लिए, वो एक रिलीफ दिया गया था, वो सिर्फ जम्मू के डोगरों को नहीं मिल रहा। अभी अभी मुझे ये पूरा ज्ञात हुआ कि हिमाचल में मिल रहा है, क्या कसूर किया हमने इस स्टेट के अंदर कि इस स्टेट को बनाया, 10,000 एक ही जगह मरे, आज भी हर गांव के अंदर बोतल लगा है शहीद का, और पूरी पूरी फौज का क्या हुआ, 47 के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से कत्लों गारत हुआ, ये सब सामने है, ये कसूर है इनका। वो फैसिलिटी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही, वो भी अनाउंसमेंट में हम ये मांग कर रहे हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट ये फ्रॉड मत करो, ये हमारा बड़ी देर से ड्यू है, शुरू से ड्यू है, मिलता रहा और उसके बाद बंद कर दिया गया, ये हमें हमारे संतानों को मिलना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।